Subscribe my channel for latest update and press bell button for getting notification from Neha's creativity. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि अभी एग्जैक्ट टाइम 12 o'clock हुआ है और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था आज है ग्लासगो मेला, तो मैं उसी के लिए अभी रेडी हुई हूँ और हम लोग बस अभी वहीं के लिए निकलेंगे। तो आज एक्चुअली सिटी सेंटर में भी थोड़ा काम है, अनवित के लिए थोड़ा शॉपिंग करनी है, उसके लिए शूज देखना है और अभी बस लंच, एक्चुअली हम लोगों को सौरभ लंच कर रहे हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सौरभ का लंच बना के दे दिया था कि मैंने कहा तुम करो, मैं फटाफट रेडी होती हूँ और उसके बाद मैं लंच करके निकलूंगी। तो रात में मैंने सांभर बनाया था, तो अभी मैंने बस राइस बनाया है, तो थोड़ा सांभर राइस खा के ही हम लोग अभी निकलेंगे क्योंकि फिर बाहर ही देखेंगे कुछ खाएंगे। तो बस अभी थोड़ा देरी हो रही है, तो बस हम लोग अभी लंच करके मतलब मैं वहीं के लिए ही निकलूंगी। तो अभी हम लोग सिटी सेंटर पहुंच गए हैं, तो सिटी सेंटर में मॉल है सैंडमॉक, तो हम लोग वहीं पे आए हैं और अभी वहाँ पे देखेंगे अनवित के लिए शूज़, क्योंकि यहाँ पे मदर केयर है तो पहले वहीं पे देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे अगर नहीं पसंद आए तो कहाँ जाते हैं। तो अभी शूज़ ही देख रही हूँ अनवित के लिए, तो उससे कुछ खास मुझे लग नहीं रहा डिज़ाइन, तो अभी हम लोग जाएंगे क्लार्क्स, क्योंकि क्लार्क्स में अनवित का साइज़ और डिज़ाइन दोनों अच्छे मिल जाते हैं, तो अभी इसके बाद हम लोग वहीं जाएंगे। मदर केयर आती हूँ तो हमेशा मैं इस वाले सेक्शन में ज़रूर आती हूँ, क्योंकि अनवित के बर्थ के टाइम पे शॉपिंग करती तो सब याद आता है, तो मुझे वाला सेक्शन बहुत अच्छा लगता है। हम लोग मदर केयर से बाहर निकले तो सामने ही लेगोलैंड का ब्रिज लगा हुआ था, तो उसको देख के अच्छा लगा, तो सर ने बोला कि इसकी वीडियो शूट करते हैं, मैंने कहा ठीक है चलो कर लेते हैं। तो ये लेगोलैंड का ब्रिज है, तो अभी हम लोगों की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है और अभी हम लोग आ गए हैं ग्लासगो मेला जाने के लिए। तो ये है यहाँ का केल्विन ग्रोव म्यूज़ियम, तो हम लोग यहीं पे उतरे बस से और काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है ये अंदर से, तो जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए तो तभी गए थे, उसके बाद तो अभी तक नहीं गए हैं, लेकिन अंदर से बहुत अच्छा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ग्लासगो मेला, तो वो केल्विन ग्रोव पार्क में ही लगा हुआ है। वेदर आज का बहुत बहुत अच्छा है, तो काफ़ी लोग आज बाहर दिखाई दे रहे हैं रोड पे और यहाँ पे लोग बाउलिंग खेल रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी जगह ऐसे कोर्ट बनी हुई हैं बाउलिंग खेलने के लिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों का शायद फेवरेट गेम है, तो काफ़ी लोगों को मैंने ऐसे बाउलिंग कोर्ट में खेलते हुए देखा है। तो फाइनली सौरभ का जैकेट भी उतर गया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आज।
फाइनली हम लोग पहुँचे मेले के गेट पर, और वहाँ पहुँचते ही फीलिंग आई मेले वाली, क्योंकि डोर पे ही एक सेल्समैन बैठी हुई थी तो टॉयज़ लेकर, तो बहुत ही अच्छा लगा जैसे बचपन में हम लोग मेले में जाते थे और वहाँ पे बैठे रहते थे गेट पे, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती थी। तो सेम वही फीलिंग आ रही थी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, काफ़ी लोग दिखाई दे रहे थे और म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी और ऐसे साइड में शॉप्स लगी हुई थी, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी वहीं से मुझे पास में से ही एक बहुत ही अच्छी बांसुरी की आवाज़ आ रही थी, तो मैं उस आवाज़ के पास खींचते गई, तो यहाँ पे ये परफॉर्मेंस हो रही थी तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत टाइम शुरुआत करी मीठे से, तो हमने खाई जलेबी, तो वही मैं और अनवित अभी इंजॉय कर रहे हैं और सामने परफॉर्मेंस चल रही थी जो खाते खाते हम लोग देख रहे थे। बहुत ही अच्छा भंगड़ा कर रही थी लड़कियां और जो ढोल बजा रहे थे तो वो भी बहुत ही अल्टीमेट बजा रहे थे। मुझे ढोल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो जब ढोल बजता है तो मेरे कदम अपने आप ही उठने लगते हैं डांस करने के लिए, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था एक्चुअली ये परफॉर्मेंस देख के। मैं ज़्यादा इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे क्रिएटिव कमेंट्स का नोटिस आ जाता, लेकिन बहुत ही अच्छा म्यूज़िक था। के बाद हम लोग वहाँ से निकले तो मुझे कहीं से बहुत तेज़ तेज़ डीजे की आवाज़ आ रही थी जिस पे बहुत तेज़ तेज़ पंजाबी सॉन्ग्स बज रहे थे, तो मुझसे तो रुका नहीं गया। देखा तो पब्लिकली एक डांस चल रहा था जिस पे कोई भी जाके डांस कर सकता था, तो मैं तो वहाँ पे एंटर किया और मैंने डांस करना शुरू किया। तो मैंने डांस करने के लिए इन्हीं आंटी को ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे बहुत ही मस्ती में डांस कर रही थी और डीजे पे जो सॉन्ग्स बज रहे थे वो अल्टीमेट बज रहे थे, और डांस हो और डीजे पे वो भी गाने बजे तो मुझसे तो रुका नहीं जाता। मुझे डांस करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, मैंने अपने कॉलेज में स्टेज परफॉर्मेंस भी दी हैं, तो हम लोग डांस करते थे स्टेज पर, तो बहुत ही मज़ा आया मुझे इतने टाइम बाद इंडियन सॉन्ग डीजे पे सुन के। फाइनली मेरा डांस हुआ, सौरभ ने ज़बरदस्ती वहाँ से खींचा, चलो चलो और भी कुछ करना है, तो वहाँ से निकले तो यहाँ पे ये अनवित को झुलाने के लिए लेके आए क्योंकि अनवित इसको देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था राउंड झूले को देखकर। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अनवित की टर्न आने का, फिर हम लोग अनवित को बिठाएंगे। अनवित को जब झूले में सौरभ बिठा रहे थे तो मुझे बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही थी जैसे मेरे पापा कभी मुझे झूले में बिठाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी एक बहुत फेमस मेला लगता था गुगाल का मेला, तो जब मैं छोटी थी तो मैं पापा के साथ जाती थी वहाँ पे, तो
तो हम लोग मेरे ताऊ जी का लड़का और मैं, हम दोनों रोना शुरू कर देते थे कि हम लोगों को जाना ही है। तो फिर हम लोग जाते थे और वो मेला भी बहुत अच्छा होता था। तो ऐसे ही पापा झूले में बिठाते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था, मुझे वही फीलिंग आ रही थी। तो वही अच्छा लगा कि अब मेरा टाइम है कि मैं अपने बच्चे को वो खुशियाँ दूँ। तो वही कोशिश कर रही हूँ कि जितना मुझसे हो पाएगा मैं दूँगी अमृत को। बाबू पकड़ लो, पकड़ में रखो उसने। अनवित को फर्स्ट टाइम हमने कोई राइड कराई है ऐसे, तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। और जब राइड बंद हुई तो निकलने के लिए रेडी नहीं था। कौन सा फ्लेवर है? ऑरेंज एंड मैंगो। ओरिजिनल एंड मैंगो, ओरिजिनल ले लेते हैं। तुम्हें कौन सा चाहिए? एक मैंगो, एक ओरिजिनल। एक मैंगो, एक ओरिजिनल। फाइनली मैंने एंजॉय करी अपनी कुल्फी। सौरभ ऑलरेडी अपनी कुल्फी ख़त्म कर चुके हैं और खा रहे हैं साथ में जलेबी, और यहाँ पे आके बैठ गए हैं। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस चल रही थी तो वही हम लोगों ने देखी। तो मेला सुबह को 12 बजे से रात को 8 बजे तक था। तो हम लोग तो खैर लेट आए थे, हम लोगों ने लेट ही ज्वाइन किया था। लेकिन ऐसे मल्टीपल परफॉर्मेंस थी तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं यहाँ पे जो ऐसे परफॉर्मेंस करते हैं। तो एक दो ग्रुप में मेरी फ्रेंड भी हैं जो परफॉर्म करती हैं, तो बहुत ही अच्छा डांस करते हैं सब ग्रुप। और मेले में ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट होते हैं जहाँ पे लोग जाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे भी ऑफर किया था ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, डांसिंग ग्रुप। तो लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि पहले हम लोग घूमने के चक्कर में लगे रहे। क्योंकि जब ग्लासगो मेला आया था फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे आए थे, तो हम लोग यूरोप ट्रिप के लिए चले गए थे और उसके बाद फिर अनवित हो गया तो मेरा हो नहीं पाया पॉसिबल। लेकिन रियली मेरा बहुत मन है ऐसे स्टेज परफॉर्मेंस देख के। मुझे वही याद आ रहा था जब मैं कॉलेज टाइम में ऐसे स्टेज पे परफॉर्म करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ। क्या क्या लेके आयो? पनीर रैप।
पनीर रैप, समोसा नहीं मिला क्या? सब समोसा टिक्की सब खत्म, समोसा टिक्की सब खत्म, देर हो गई हमें आने में। भूख बहुत तेज लगी थी तो सौरभ ये लेके आए थे पनीर रैप, इसका ऑप्शन ही वहाँ पे थोड़ा बेटर लगा था क्योंकि काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन ये कुछ खास नहीं था, ठीक ठाक था, तो हम लोगों ने थोड़ा खाया, काफ़ी कुछ छोड़ा। और इसके बाद हम लोग देखने गए, लाइव परफॉर्मेंस थी, एक सिंगर आई थी, पंजाबी सिंगर थी पूजा करके, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखी और हम लोग बीच में ही वापस आए क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, पता नहीं क्यों अचानक से इतना ज़्यादा हेडेक हो गया, मुझे कभी होता नहीं है। तो हम लोग फिर घर चले गए और हम लोगों का मेला बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही अच्छी फीलिंग थी क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसा इतने सारे इंडियंस एक साथ दिखाई दिए और बहुत ही अच्छा लगा, जैसे म्यूज़िक बज रहा था तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। तो मैं अभी अपना व्लॉग यहीं पर ही फिनिश करूँगी, तो होपफुली आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। सो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।